गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकफास्ट रेसिपी में गुजराती स्टाइल लाइव ढोकला बनाएंगे। जो शादियों में बनाया जाता है लाइव खाटा ढोकला, वही हम बनाएंगे और इसे हम इंस्टेंट बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे। तो गुजराती स्टाइल लाइव खाटा ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम बेटर बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप यानी कि 3/4 कप सूजी ली है। तो ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप इसे मिक्सी जार में थोड़ा सा पीस सकते हो। अब उसी के साथ 1/3 कप चावल का आटा ऐड करेंगे, 1/4 कप बेसन ऐड करेंगे, 1/2 कप दही, और दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, 1 कप पानी ऐड करेंगे। और मैंने जो दही यूज़ किया है वो खट्टा नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च ली है, तो इसे हम चिली कटर में कट करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना मूंगफली का तेल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हींग भी ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब भी मैं ढोकला रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि जब हम हल्दी ऐड करते हैं तो ढोकला बनने के बाद रेड स्पॉट आ जाते हैं। तो इसका एक ही रीज़न होता है, जब हम एंड में हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद हम तुरंत इनो या सोडा मिलाकर ढोकला स्टीम करने के लिए रखेंगे तो इसमें रेड स्पॉट आ जाएगा। लेकिन अगर जब हम बेटर बनाते हैं तभी इसमें हल्दी ऐड करेंगे, जिस तरह से आज हमने किया है, तो ढोकला बनने के बाद रेड स्पॉट कभी नहीं आएंगे क्योंकि हल्दी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो जब भी पीला ढोकला बनाना हो तो बेटर के साथ ही हल्दी ऐड कर दीजिएगा ताकि जब हम इसे 15-20 मिनट रखेंगे तो इसमें हल्दी अच्छे से मिक्स हो जाती है और फिर रेड स्पॉट कभी नहीं आते। तो यहाँ पर मैंने ढोकला के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और अंदर एक स्टैंड रख दिया है। तो पानी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। और कल जब मैंने आपके साथ टिफिन रेसिपी शेयर की थी तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने वर्गो जेस्ट के बारे में पूछा था। वैसे आगे भी मैंने इसके बारे में बताया है और लिंक भी शेयर की है। तो वर्गो जेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है और ये हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल है और खजूर के साथ ये बना है, और इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भी है, तो विंटर सीजन के लिए ये बहुत ही हेल्दी रहेगा। और मैं इसे दिन में 2 बार लेती हूँ, मैं दूध के साथ लेती हूँ। आप चाहे तो इसे बिना दूध भी ऐसे ही खा सकते हो और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बच्चे और बड़े सबको पसंद आएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। अब थाली को भी हम तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। और जब भी हम गुजराती स्टाइल कोई भी ढोकला बनाते हैं तो इसमें सिंग तेल का ही यूज़ होता है, मतलब मूँगफली के तेल का यूज़ होता है, और मूँगफली के तेल के साथ ही ढोकला अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हमने थाली को भी रेडी कर लिया है। और जब भी मैं इंस्टेंट ढोकला में इनो ऐड करती हूँ तब बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि इसमें इनो की जगह पर सोडा ऐड कर सकते हैं कि नहीं। तो आप सोडा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जब भी हम इंस्टेंट ढोकला बनाते हैं तो वो इनो के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी पूछते हैं कि क्या हमें लेमन फ्लेवर इनो ही लेना चाहिए। तो जब भी मैं ढोकला, हांडवा सब कुछ बनाती हूँ तो इसके लिए लेमन फ्लेवर इनो ही यूज़ करती हूँ। वो जो ब्लू वाला पैकेट आता है इसका टेस्ट मुझे ढोकला में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं लेमन फ्लेवर इनो ही यूज़ करती हूँ। तो बैटर को भी 20 मिनट हो गए हैं, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम बैटर को भी चेक कर लेंगे, सूजी अच्छे से फूल गई है। तो उसी के साथ हम 1 टीस्पून इनो ऐड करेंगे। तो ये 1 पाउच में 1 टीस्पून ही होता है और बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो बैटर के साथ इनो अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैटर रेडी है, इसे हम तेल लगाई हुई थाली में निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे, और ऊपर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ढोकला स्टीम होने के लिए रेडी है। अब कढ़ाई में भी पानी गर्म हो गया है, तो इसमें हम ढोकला वाली थाली रख देंगे। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे।
और इसे हम तेज आंच पर स्टीम करेंगे। और कल डिनर में झूसा बनाया था तो इसका बैटर भी थोड़ा सा बचा है, तो इसमें से हम व्हाइट ढोकला यानी कि इदड़ा बनाएंगे। और झूसा बैटर की डिटेल रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो। तेल लगाई हुई थाली में हम झूसा बैटर भी डाल देंगे। और ढोकला में सिर्फ हम ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो ढोकला भी स्टीम हो गया है, तो आप चाहे तो चाकू डालकर चेक कर सकते हो। अब इसी में हम व्हाइट वाला ढोकला भी स्टीम कर लेंगे। तो इसे भी हम 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। अब गर्मा गर्म ढोकला पर हम थोड़ा सा मूंगफली का तेल स्प्रेड करेंगे। लाइव ढोकला में तड़का नहीं होता, इसमें हम मूंगफली का तेल ही स्प्रेड करते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें कट्स लगा देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पर हम व्हाइट ढोकला को भी चेक कर लेंगे। तो ये ढोकला भी अच्छे से स्टीम हो गया है। इस ढोकला पर भी हम थोड़ा सा मूंगफली का तेल स्प्रेड कर देंगे और ढोकला को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे कट करेंगे। अब इसे मन चाहे आकार में कट कर लेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा ये ढोकला भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है। पर हमारा ब्रेकफास्ट के लिए दोनों ढोकला रेडी है। तो आज की आसान सी लाइव ढोकला रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं इधर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।